वंदे गौ मातरम। आज गौ माता के लिए हलवे का भंडारा बन रहा है, आप देख सकते हो। डेली तो बनती है लापसी और आज बन रहा है हलवा। हमारे प्रिय गौ भक्त उद्योगपति श्रीमान सेठ बीरबल जी के जो छोटे भाई है गणपत सिंह जी, उनके सुपुत्र सलील साहू के जन्मदिन पर गौ माता के लिए बहुत ही सुंदर जो हलवा बना रहे हैं हमारे गौ भक्त सुखराम जी मास्टर साहब, गौ भक्त बाबूलाल जी, गौ भक्त कालूराम जी और उद्योगपति बीरबल जी खुद यहाँ पधारे हैं और गौ माता के लिए लापसी की प्रसादी बना रहे हैं। गौ भक्त उद्योगपति बीरबल जी के पूरे परिवार पर आपको पता ही है, जन्मदिन पर हमेशा गौ माता की सेवा करके ही जन्मदिन मनाया जाता है। आज हमारे गौ भक्त बीरबल जी के छोटे भाई गणपत सिंह के सुपुत्र सलील साहू के जन्मदिन पर आप देख सकते हो लापसी की प्रसादी। सेठ जी खुद पधारे हैं गौशाला में और लापसी की प्रसादी बना रहे हैं। बाकी जानकारी तो मैं प्रतिदिन देता ही हूँ। आज सेठ जी खुद पधारे हैं, दो शब्द कहेंगे, आप सभी गौ भक्तों का धन्यवाद भी कहेंगे। हे गोपाल, जब भी हमारे परिवार के अंदर किसी का भी जन्मदिन होता है, तो जब से हम ये गौशाला से जुड़े हैं पिछले 2-3 सालों से, तो सभी का जन्मदिन जब भी आता है तब हमने यहाँ पे गौ भक्त जलाराम जी है उनको ऑथोरिटी दे रखी है कि हमारे परिवार से कोई आए या नहीं आए तो भी लापसी का भंडारा गौ माता के लिए उस दिन बनना चाहिए। जब भी हम यहाँ पे हाजिर रहते हैं उसी दिन आ जाते हैं, और जब से हमने गौ माता के यहाँ पे आना चालू किया है तब से हम हमेशा, हमारे बच्चों का बर्थडे है, हमारा बर्थडे है, किसी का भी परिवार में हो वो यहीं पर आकर के मनाते हैं। आज मेरे छोटे भाई गणपत जो गोवा में रहते हैं उनके बेटे सलील का बर्थडे है, तो हम सब यहाँ पे मौजूद थे, इसलिए लापसी का भंडारा बनाने के आए हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, धन्य आपके माता पिता को जो बहुत ही अच्छे भाव गौ माता के प्रति आपके परिवार का। लोगों के पास पैसे होते हैं तब बड़ी बड़ी होटलें बुक करते हैं और नाना प्रकार के जो संस्कृति के खिलाफ होता है वो भी केक काटते हैं, जो केक कैसे बनता है वो पता नहीं है, लेकिन आपने बहुत ही धार्मिक पद्धति से अपने परिवार का जन्मदिन और शुभ कार्य पर आप गौ माता का आशीर्वाद, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और ये परिवार का संस्कार है। सौभाग्य पैसा होना हर किसी के पास हो सकता है, लेकिन संस्कार हर किसी के परिवार में नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके परिवार के संस्कार से विष्णु समाज को भी ये प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सभी जो तमाम चौरा के गौ भक्तों को तो प्रेरणा मिलती है आपके आशीर्वाद से। बहुत बहुत धन्यवाद, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं भाई सलील के जन्मदिन पर, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय गौ माता, जय गौ।